क्वेश्चंस। मेरा नाम मोहित शर्मा एंड और आज का जो टॉपिक है हमारा टेबल। आज हम इंसर्ट टैब में जाएंगे हमारे, और इंसर्ट टैब में हम फर्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है टेबल, कि टेबल पे हम वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम बाद वीडियो हमारी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी इस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके थे, लेकिन अब जो हमारी वीडियोस आएगी वो कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होंगी। और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा टेबल है। अगर से पहले जो मैंने आपको एपिसोड में जो बताया गया उसमें कोई डाउट हो, वर्डपैड में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? टेबल देखिए, यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं, यहाँ से आ रहे हैं कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज और भी ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, इंसर्ट, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो टेबल को मैनुअली, या इंसर्ट टेबल अपने अकॉर्डिंग लेना। जैसे मुझे चाहिए 58 कॉलम्स चाहिए मुझे, और 98 रोज चाहिए, और मैंने एंटर कर दिया। देखिए हमारी टेबल आ गई। या तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, और अदरवाइज आप मैन्युअली भी बना सकते हैं, जैसे आपको दिखाया था, या फिर आप यहाँ से ड्रॉ टेबल लेके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल लाइक दिस, हम खुद की भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल जैसे मुझे चाहिए, या आप इस तरीके से बना लीजिए अब, ठीक है। मैंने आपको तीन तरीके बताए टेबल बनाने के। हम पहले वाले तरीके से काम करेंगे आज। हमने यहाँ से टेबल ले लिया अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी मुझे टेबल चाहिए थी, ठीक है। अब इसके बाद इसके दो ऑप्शन हमारे हाईलाइट हो रहे हैं, देखो डिजाइन एंड लेआउट। हाँ, अब देखो जैसे हम यहाँ से इसी पहले फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से दिखे जो भी मैं यहाँ पे इफेक्ट्स जो आपको हम करके दिखाएंगे आपको। जैसे फर्स्ट आता है हेडर रो, हेडिंग रो देखो शो करनी है शो कर सकते हो, हाइड करनी है हाइड कर सकते हो, ठीक है। टोटल रो हमारी लास्ट में होती है, इसे शो करना है शो कर सकते हो, हाइड करना हाइड कर सकते हो। फिर ब्रांडेड रो, ब्रांडेड रो मीन्स होता है एक रो में देखो कलर हो एक में ना हो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक रो में हमारा कलर है एक में हमारा कलर नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ब्रांडेड रो हटा देता हूँ, देखिए सब में कलर हट गया मेरा। वापस चाहिए मुझे, मैं ले सकता हूँ ब्रांडेड रो। फर्स्ट कॉलम शो करना है शो कर सकते हैं, हाइड करना है हाइड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट कॉलम शो करना है शो कर सकते हो, हाइड करना हाइड कर सकते हो। ब्रांडेड कॉलम सेम एज इट इज वैसी है, एक कॉलम में आपको कलर शो एक में कलर ना हो, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसका स्टाइल ले सकते हो टेबल का, जो भी स्टाइल चाहिए आपको अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर आता शेडिंग, मतलब मैं चाहता हूँ ना एक सेल में ना मेरे को कलर फिल करना है अपनी मर्जी से, तो मैं यहाँ से शेडिंग शेडिंग ले सकता हूँ लाइक दिस। मुझे कोई भी कलर फिल करना है मैं कर सकता हूँ, नो फिल में शो नहीं होगा देखो कलर। बाकी जो भी कलर आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। फिर आता है बॉर्डर स्टाइल। अब मेरे को ना टेबल में बॉर्डर लगाना है, तो हम बॉर्डर किस तरीके से लगा सकते हैं अपने टेबल में वो देखते हैं। पहले मैं इसका थोड़ा लेआउट चेंज कर लेते हैं हम, जैसे जो भी हम बॉर्डर्स लगाए वो आपको दिखे अच्छे से, फैक्ट शो हो सके, हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो भी हम बॉर्डर लगाएंगे वो सारे हमें इंडिकेट होगा। सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल, तो आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं जो आपको बॉर्डर चाहिए। मैंने ये वाला बॉर्डर स्टाइल ले लिया। फिर उसकी विड्थ कितनी रखनी है, आप विड्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से मेंटेन कर ली इतनी विड्थ चाहिए थी, और भी इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है कर सकते हो, डिक्रीज करनी है डिक्रीज कर सकते हो। अब कलर, अब जो बॉर्डर आपको लगाना है वो किस कलर में लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से, मेरे को येलो कलर चाहिए था, मैंने येलो कलर ले लिया। अब देखो आपके पास एक ये ब्रश का साइन शो हो रहा होगा डेस्कटॉप पे, है ना, ये बॉर्डर पेंटर का साइन इंडिकेट होता है। बॉर्डर पेंटर मतलब मैनुअली बॉर्डर लगाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ बॉर्डर लगाना था, मैंने सेलेक्ट किया इतने एरिया को, देखिए यहाँ पे लग गया मैनुअली बॉर्डर। मेरे को यहाँ पर लगाना है, मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इसमें क्या है मैनुअली लगाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हम बॉर्डर पेंटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना करके मेरे को बहुत जगह बॉर्डर्स लगाने, तो हर जगह ऐसे बॉर्डर को नहीं लगाता रहूँगा, इसलिए मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं। फिर हम बॉर्डर पेंटर ऑफ करते हैं पहले अपना, और ये प्लस के साइन से हम अपनी होल टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर ले लेते हैं, जैसा भी हमें बॉर्डर चाहिए, जैसे बॉटम, तो हमें बॉटम में बॉर्डर शो हो रहा है। टॉप चाहिए हम टॉप में लगा सकते हैं, लेफ्ट में लेना है लेफ्ट में ले सकते हैं, राइट में चाहिए राइट में, नो बॉर्डर कहीं भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा है हमको। ऑल बॉर्डर्स हर जगह, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, इवन अगर आपको आउटसाइड चाहिए आउटसाइड ले सकते हो, और इनसाइड चाहिए इनसाइड ले सकते हो, ओके। या आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो, या वर्टिकली भी ले सकते हो, ठीक है। आपको जिस तरीके से लगाना है अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से इनसाइड रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है सेलेक्ट करना। सेलेक्ट मीन्स मेरे को सेल सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करनी है, कॉलम करना है, क्या सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम
सेलेक्ट ऑप्शन यूज करते हैं, सेलेक्ट सेल। देखो जहां भी मेरा कर्सर था वो सेल सेलेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद सेलेक्ट कॉलम्स, देखो कॉलम सेलेक्ट करना है वो वाला कॉलम भी सिलेक्ट हो गया। देखो मुझे रो सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ से रो ले सकता हूँ ऐसे। और मेरे को अगर टेबल लेनी है पूरी, तो मैं टेबल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या प्लस के साइन से भी कर सकता हूँ। मैंने पूरी पूरी टेबल ले ली, ठीक है। अब आता है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स क्या होता है? ग्रिड लाइन्स होता है, और हम इंडिकेट कर देखते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन्स। देखिए आपको यहाँ पे इसके ग्रिड लाइन्स का इफेक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। ये ग्रिड लाइन्स है। प्रॉपर्टी, आपको इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या अलाइनमेंट क्या लेने हैं, आप अलाइनमेंट्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेफ्ट सेंटर राइट। उसकी पोजीशन ले सकते हो लेफ्ट इंडेंट्स की। आप टेक्स्ट रैपिंग यूज कर सकते हो, यहाँ पे अराउंड लेना है, डन करना है टेक्स्ट रैपिंग। अब रो की हाइट क्या चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो रो की हाइट। कॉलम्स की हाइट अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सेल, एक पर्टिकुलर सेल की हाइट ले सकते हो, उसके मार्जिन सेट कर सकते हो आप यहाँ से। मेजर्स किस में करना है आपको, परसेंटेज में या इंचेज में, ठीक है। अब यहाँ से अलाइनमेंट ले सकते हो वर्टिकली कैसा चाहिए आपको, सेंटर में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, ओके। ऑल टेक्स्ट मीन्स आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, आप कोई भी टेक्स्ट के अंदर टेबल में टाइप कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आता है ड्रॉ टेबल, जो अभी हमने किया था टेबल ड्रॉ करना अपने अकॉर्डिंग मैनुअली। और इरेजर, आपको इरेज करना है आप इरेज कर सकते हैं। मैं इरेजर ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ से जितना भी मेरे को टेबल चाहिए थी, मैंने टेबल ले ली, मुझे इतनी टेबल ना इरेज करनी है, तो अपने टेबल इरेज हो गई। देखो ये इरेजर का काम है, ओके। अब मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ से। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड भी है। फिर डिलीट करना, डिलीट होता है जैसे मैं इरेजर हटा देता हूँ। हाँ, अब मुझे डिलीट करना है। मुझे डिलीट क्या करना है, एक सेल करना है, एक कॉलम करना है, एक रो करना है, एक टेबल, मैं पूरी टेबल डिलीट करनी है मेरे को ना। कॉलम डिलीट करना था, मैंने यहाँ से गया, मैंने इसको कॉलम लिया और डिलीट कर दिया, ठीक है। कॉलम डिलीट हो गया हमारा पूरा। मैं चाहता हूँ रॉ चाहिए रॉ ले सकते हैं, टेबल चाहिए टेबल ले सकते हो। इस तरीके से आप पूरी तरीके से अपने टेबल टेबल को, रॉ को, जिस जो भी डेटा है उसको डिलीट कर सकते हो, ओके। फिर इसके बाद होता है इंसर्ट अबव। जहाँ मेरा कर्सर होगा उसके अबव में हमारी रोज इंसर्ट हो गई। देखो ब्लो में ले सकते हो, लेफ्ट में ले सकते हो, राइट में ले सकते हो। जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करनी है रोज को, आप अपने अकॉर्डिंग रोज कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक ऑप्शन आता है इसके अंदर मर्ज। मर्ज मीन्स होता है बहुत सारे सेल्स को एक सेल में कंबाइन करना। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैंने सेल्स को, मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया, मैंने ना ये सारे सेल चाहिए जो एक ही सेल बनाना है मुझे इन सब का। तो मैं यहाँ पर जाके इसको मर्ज कर दूंगा सिंपली। उससे क्या होगा, देखो एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया हमारा। स्प्लिट सेल मतलब डिवाइड कर देना, आप कितने कॉलम और कितने रो में चाहते हो वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पे देखो दो कॉलम और एक रो आ रहा है, आप चाहो जितने कॉलम हो उतने रो ले सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने दो कॉलम और एक रो रहने दिया और ओके कर दिया। देखो दो कॉलम हो गए, 1 2, लेकिन रो तो हमारी एक ही है ना। स्प्लिट टेबल, टेबल को वहीं से स्प्लिट कर देना, इट्स मीन डिवाइड कर देना। देखिए वहां से डिवाइड हो गई हमारी टेबल, ये हमारा स्प्लिट का वर्क है, ओके। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे जो लेआउट में जो बाकी है उसे भी कर लेते हैं हम। लेआउट में चलते हैं, लेआउट में देखिए अब ऑटो फिट। ऑटो फिट मीन्स होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, मुझे ना किसके अकॉर्डिंग फिट करना है, कंटेंट के अकॉर्डिंग करना है, विंडो के अकॉर्डिंग करना है, या फिक्स जो भी इसकी फिक्स होती है कॉलम के भी उसके अकॉर्डिंग रखना है। मुझे ना कंटेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं पहले डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे, डेटा जिस अकॉर्डिंग मुझे चाहिए अपना डेटा। मैंने डेटा बना लिया कि मुझे इस बेस पे अपना डेटा चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑटो फिट करते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट। तो जो आपका कंटेंट था उस कंटेंट बेस पे देखो एडजस्ट हो गई हमारी, है ना सर। अब मैं चाहता हूँ भाई इस तरीके से नहीं, मुझे ना फिट टू विंडो करना है, मतलब जैसे मेरी विंडो पे एडजस्ट हो जाए। विंडो पे देखिए इस तरीके से एडजस्ट होगी, आप ले सकते हैं यहाँ से। अब इसकी रो और हाइट अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं मैनुअली, रो सॉरी हाँ इसकी लेंथ, हाइट और लेंथ सॉरी, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितनी भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट रो, रो को रो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और कॉलम होता नहीं है, ठीक है। और अलाइनमेंट, सब उसको अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए।
आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं इसको, देखो जैसे लाइक दिस, ठीक है, सेंटर हो गया, बॉटम चाहिए, टॉप में चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन कैसे चाहिए, डायरेक्शन देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, आपको जो भी डायरेक्शन चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट आता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन होता है मतलब आपको अब सेल का सेटअप करना हमारा, जैसे हम तो पेज सेटअप करते हैं वैसे हम सेल का भी सेटअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मुझे टॉप से कितना मार्जिन रखना है या लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि मुझे कितना स्पेस छोड़ना है, टॉप से कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट करना। शॉर्ट मीन्स होता है डेटा को अरेंज करना, इट्स मीन्स चाहे वो असेंडिंग में हो चाहे वो डिसेंडिंग में हो। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, जैसे छोटे से बड़ी वैल्यू होती है, और डिसेंडिंग होती है ज्यादा से छोटा, ओके। अब वो करते हैं कैसे है वो भी देख लेते हैं। पहले मैं टेबल को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, टेबल हमारी थोड़ी खराब हो गई, हमने इसमें अभी चेंजेस किया स्पेस पे, ठीक है। अब हमारा डेटा हो चुका है, अब हम करते हैं यहाँ पे अरेंज करना। अरेंज के लिए पहले डेटा चाहिए हमारे पास, डेटा हम ले लेते हैं जैसे 67, 88, 4, 32, 54 एंड 23। अब इस डेटा को मुझे अरेंज करना है चाहे असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। मैंने डेटा सेलेक्ट किया अपना लाइक दिस, अब इसको अरेंज कर लो जैसे भी चाहिए, असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग चाहिए, असेंडिंग होगा छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होगा ज्यादा से बड़े से छोटा, ठीक है। अब मैं इसे असेंडिंग कर रहा हूँ, ओके, नॉट वैलिड, देखिए जैसे हो गया हमारा रेंज 4, 23, 52, 33, 54, 76, 88। इस तरीके से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। फिर आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब अपने टेबल को ना कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ टेबल ऐसे शो, मुझे ना कॉमा में दिखानी है टेबल, या फुल स्टॉप में रखनी है, या स्पेस माइनस का साइन यूज करना है, प्लस का यूज करना है, या कोई और सिंबल यूज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं क्या कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, अब कैसा चाहिए, पैराग्राफ मार्क्स चाहिए, टैग चाहिए, कॉमा चाहिए, या कोई और। मैंने अदर में जाके कोई और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया शिफ्ट के साथ परसेंटेज की, सॉरी डॉलर, कि मुझे ये वाला साइन चाहिए, ठीक है। अब मैंने ओके कर दिया, तो देखिए डॉलर आ रहे हैं हमारे पास, और डेटा भी हमारा डेटा तो शो हो रहा है, लेकिन जो हमारे टेबल्स थी वो टेबल्स की जगह हमारे डॉलर्स शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने टेबल को कन्वर्ट कर दिया डॉलर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं आप। और फिर और भी टॉपिक लास्ट हमारा जो रहता है इसके अंदर, इसे रहता है फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स होता है अब इसमें फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला भी लगा के देखते हैं हम। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, मुझे ना इन सब पर सम चाहिए सपोज। अब मैं सम निकालने के लिए सबको प्लस करता हूँ, प्लस कैसे करूंगा, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला में, देखो सम अबव लिखा हुआ आ रहा है ये वैल्यू, है ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यू हमारी अबव में है। अगर वैल्यू हमारी लेफ्ट में होती लेफ्ट में शो होता, राइट में होती राइट में शो होता, है ना। लेकिन वैल्यू हमारी अप में है तो अबव शो हो रहा है, और लेफ्ट में होगी तो लेफ्ट शो होगा, सम लेफ्ट, ओके। और हम टोटल हमेशा लेफ्ट और अबव का निकलता है, राइट से कभी टोटल नहीं निकलता ना, बॉटम से निकलते हैं, ओके। मैंने अबव लेके इसको ओके कर दिया लाइक दिस, देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं इसका टोटल हमारे सामने आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने आज टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग बताई आपको, डिजाइन है, लेआउट है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई करके। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अब इसको अगर आप इसमें कोई आपको डाउट्स रहेंगे आप इस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं मेरे से कमेंट्स करके, ओके। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, नेटवर्किंग हो, सॉफ्टवेयर हो, एमएस ऑफिस हो, डिजाइनिंग हो, वट एवर, आपको सारी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगी, ओके। आई होप यू गाइस लाइक इट।